We are all students. अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम एमसीक्यू कर रहे थे एंड सो फार वी हैव रिटन 12 एमसीक्यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक 20 मिनट्स इन मिसेस कैंटअप, और इसके एमसीक्यू जो हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं. सही है? सो आई वांट यू ऑल टू टेक आउट योर रजिस्टर्ड ब्लैक पेन एंड पेंसिल and start writing. Okay. तो बेटा सबसे पहले तो हमने ही के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी. सही है? ही के बाद हमने पोर्टर के बारे में थोड़ा सा लिखा था कि ह्यूमरस कैरेक्टर जो है पोर्टर ने प्ले किया है. नाउ वी फिर देन वी रोड समथिंग अबाउट संबंध. उसके बाद हमने जो है बेटा मिस्टर लुकेंडर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, और अब हम जो है वो मिस्टर लुकेंडर के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू करेंगे. ये इन्फॉर्मेशन जो है सारी इन द आउट क्लास है. इन द आउट मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है ईडियम. इस ईडियम के माने हैं डिटेल. टू गिव डिटेल्स ऑफ समथिंग इज नोन एज इन द आउट. एमसीक्यू नंबर हो गई है हमारा 13. अच्छा कैसे चॉइस है आपके पास? टेन मिनट्स, बी 15 मिनट, सी 20 मिनट और डी 25 मिनट.
अच्छा बेटा देखो बच्चों, इफ वी हैव कंप्लीटेड 15 एमसीक्यू ऑफ 20 मिनट्स इन मिसेस ओकेंडा. नंबर 13 देखो बच्चों, मिसेस ओकेंडा बेगर्ड, शी वुड नॉट ड्राइव फ्रॉम स्पेन हॉर्स क्रॉस टू कोर्स अंडर. मिसेस ओकेंडा ने कहा था कि वो शर्ट लगाई थी. वेगर्ड माने क्या होता है? WAGERED वैगर्ड माने होता है शर्ट लगाना. सही है. मिसेस ओकेंडा ने शर्ट लगाई थी कि वो स्टेन हॉर्स क्रॉस से. स्टेन हॉर्स क्रॉस क्या है? एक स्टॉप का नाम है. सही है. और कोर्स कहते हैं साहिल को. क्योंकि स्टेन हॉर्स क्रॉस से साहिल तक इतने मिनट के अंदर अंदर नहीं जा सकती. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट. करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट 15 मिनट. करेक्ट जी बेटा, क्वेश्चन करना तो करें. अली अच्छा अली, आपको कोई सवाल करना है? जी सर, अब ब्लर नजर आ रहा है, बोर्ड नजर नहीं आ रहा. सही. ओके बेटा, ओके सही है. सही है अली, ब्लर नजर आ रहा है. तो इसका हल ये है फिलहाल, हम ये कहते हैं. हाँ बेटा कोई मसला नहीं, इसका हल ये है कि मैं आपको ये डिक्टेट करवा देता हूँ. डजंट मैटर. ठीक है. सब बच्चे जो हैं अपने कॉपीज जो है मैं लिखना शुरू कर दें. नंबर 13 इज, कोई मसला नहीं बेटा, अगर ब्लर नजर आ रहा है तो लिखें मिसेज ओकेंडा बेगर्ड. लिखें मिसेज ओकेंडा बेगर्ड, WAGERED, WAGERED, मिसेज ओकेंडा बेगर्ड. शी वुड नॉट ड्राइव She would not drive from Stanford Cross. She would not drive from Stanford Cross. Two course under dash. ऑप्शन में लिखो 10 मिनट, डी लिखो 15 मिनट, सी लिखो 20 मिनट और डी लिखो 25 मिनट. बेटा आप सब शाबाश लिखें और टिक कर लें 15 मिनट करेक्ट आंसर. 15 मिनट क्या है? करेक्ट आंसर है. बेटा करेक्ट आंसर. बेटा हम सेटअप जो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो वेट फॉर अ वाइल, थोड़ा सा वेट करें. ब्लड नजर आ रहा है, इसका सॉल्व कर रहे हैं.
आप देखें, इफ यू लुक एट द वेदर, शी वुड नॉट ड्राइव फ्रॉम सेंट पॉल क्लॉथ टू कोर्स अंडर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स. तो करेक्ट आंसर इज 15 मिनट्स. Can you see the board clearly now? Press thumbs. If you can see the board clear, board साफ नजर आ रहा है, तो press करें thumbs को. Thumbs. अच्छा number 14 देखो. According to him, sometimes brief casual meeting. Brief जो है मुख्तसर को कहते हैं. Casual meeting इत्तेफाकन मुलाकात. Casual के माने क्या लिखे थे हमने? इत्तेफाकन. कभी कभार ये इत्तेफाकन मुलाकातें meeting can dash your life. जिंदगी को क्या कर देती हैं? उसने कहा था तब्दील कर देती. तो ट्वाइस में हमारे पास है सेडन. सेडन के बाद है स्ट्रेंथन. स्ट्रेंथन के बाद है ऑल्टर. ऑल्टर के बाद है नन. तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर शुड बी ऑल्टर. सही है. करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल्टर. अच्छा बेटा, अब ये जो है ग्रीस कैजुअल मीटिंग जो है जिंदगी को क्या कर देती हैं? चेंज कर देती हैं. तो चेंज का दूसरा वर्ड क्या है बच्चों? ऑल्टर. सही है. चेंज का दूसरा वर्ड क्या है? ऑल्टर. मिसेस लुकेंटा सेज दैट ऑफन सीन ऑफ एक्सीडेंट डेल्टर. मिसेस लुकेंटा कहती हैं कि वो हादसे का हवलनाक मंजर उनका डैश जो है वो करता रहता है. अब क्या करता है? उनका ताकू करता है. ट्वाइस में है आपके पास बच्चों एज, ली, फॉलो और हॉर्न. तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा बेटा हॉर्न. हॉर्न माने होता है टू कम इनटू माइंड रिपीटेडली. ताकू करना या जहन में बार बार आने को हम कहते हैं हॉन्टिंग. तो वो ऑनलाइन मतलब जो है उनको ऑन करता रहता है. और नन सजा जो है वो 18 मंथ जो है वो गुजारी. अब सब बच्चे कॉपी कर लें. सही है. कॉपी करने के बाद हम को क्लिक करें. शाबाश. इसके बाद मैं चाहूंगा कि हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. फाइव ईयर के जो बोर्ड पे आते रहे हैं क्वेश्चन. ओवन स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताऊ, होता यही है बोर्ड में कि जो सवाल पिछले सालों में आए हुए होते हैं वही आते हैं. गेस्ट पेपर बनाने का तरीका भी यही है कि हम पिछले साल के क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो है वो जो सवाल बचते हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. तो आपके जो सवाल हैं जो फाइव ईयर में मौजूद हैं आप उसी की प्रैक्टिस करेंगे. जो सवाल मोस्टली मोस्ट ऑफन पूछे गए हैं, जो सवाल ऑप्शन पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. तो व्हेन यू हैव रिटन प्रेस थंब सो दैट वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन आंसर. आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द बोर्ड क्लियरली नाउ. And I also hope that all of you have written these MCQs. So now we are going to start question answer. Important questions of this chapter, first chapter. Third one is, Sikhiya Ava Sikhiya. Achha beta, dekhen, board mein sawal puche gaye na. So ek to sawal ye hai, के व्हाट मोटिव डज द मैन हैव फॉर मर्डरिंग मिस्टर लुकेंटा. मोटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? मोटिव का मतलब होता है इंग्लिश में मकसद. आदमी का ही का जो है वो मकसद क्या था मिस्टर लुकेंटा को मारने का.
जो ही है उसका मकसद क्या था, क्या उसकी मकसदियत थी, व्हाट वाज हिज गोल, व्हाट वाज इन हिज माइंड दैट ही केयर्ड टू लुक एट अप, इसके बारे में हम लिखने जा रहे हैं। अटल पूछो जी सर, वो आपकी तस्वीर गायब हो गई थी। तस्वीर गायब हो गई क्या? वीडियो गायब हो गई बेटा, आ तो रही अभी, पता नहीं देखें अपना स्नैक देखें। हाँ सर, अब आ रही है। आप लोग का नेट बहुत स्लो है शायद। फिर लाल सिग्नल आ रहे हैं सर। अच्छा, वो हमने कहीं नेट कर दिया, नेट की लो। अच्छा सर, आवाज भी बहुत नेट की लो, आवाज कट रही है। हाँ सर, नेट इश्यू होगा, आवाज भी बहुत कट रही है और साफ भी नहीं दिख रहा। आवाज नहीं कट रही है। सही है सर, thank you.
ठीक है बेटा, क्वेश्चन वन हमने कंप्लीट लिख लिया है। क्वेश्चन वन लिखा है हमने, ये आप कॉपी करें सब बच्चे। सब बच्चे कॉपी करें इसको। इसको मैं पढ़ देता हूँ ताकि था कि आप लोग क्लियर है। व्हाट मोटिव डज द मैन हैव फॉर मर्डरिंग मिसेस उकेंडा? मिसेस उकेंडा को मारने का क्या मकसद था ही के लिए? उसके लिए मिसेस उकेंडा को मारने का क्या मकसद था? आंसर है, द मोटिव द मैन हैज फॉर मर्डरिंग मिसेस उकेंडा इज टू टेक रेवेंज। सबसे पहला मकसद तो ये था मिसेस उकेंडा को मारने का कि उसको जनाब रेवेंज रेवेंज इंतकाम लेना था। He says that he is going to execute justice. वो ये कहता है कि वो न सिर्फ इंतकाम लेना चाहता है बल्कि इंसाफ जो है वो करना चाहता है। To execute justice माने इंसाफ करना। He also thinks that Mrs. Mukherjee was not duly punished by the court of law on her criminal folly. वो ये भी समझता है कि मिसेज उकेंडा को कोर्ट की तरफ से सजा सही नहीं हुई उसकी गलती पर। एंड क्रशिंग द लाइफ ऑफ टू इनोसेंट पेडेस्ट्रियन, और उसने दो मासूम लोगों की जान ले ली। तो मकसद आपकी समझ में आ गया होगा ठीक है क्या है। मकसद ठीक है ये था कि मिसेज उकेंडा जो है उनको सजा जो है वो प्रॉपर नहीं हुई, एंड ही वॉन्ट्स टू टेक रेवेंज ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर। ओके क्विकली एंड देन टेल सम। शाबाश बच्चों, कॉपी करें। अच्छा एक और सवाल जो इसका मैं मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो ये है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबल ऑन मिसेस उकेंडा सूटकेस। मिसेस उकेंडा के सूटकेस पर जो लेबल है उसकी इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस क्या है, सही है, उसकी अहमियत क्या है, सही है, उसकी सिग्निफिकेंस उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एंड वाई डज शी हाइड इट, और वो इसको क्यों छुपाती है। आसान अच्छा बेटा, पूछो कोई सवाल है तो। जी सर, ये इसके आगे क्या लिखा सर? ही इज गोइंग टू सर, तीसरी लाइन में कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ही इज गोइंग टू एग्जीक्यूट है बेटा सर, एग्जीक्यूट, ई एक्स ई सी यू टी। ओके सर, सर बहुत धुंधला, एग्जीक्यूट है बेटा। ओके सर, धुंधला दिख रहा है, नहीं आ रहा सर शायद। यस सर, नेट सही नहीं आ रहा शायद, कुछ साफ दिखी बेटा, लेकिन यहाँ तो सही, हमने चेक किया, हमारी नेट स्पीड सही है।
शायद सर मेरा खराब है फिर एग्जीक्यूट है आप टैग कर लो कोई मसला नहीं है तो टैग कर लो प्रॉब्लम है देन वी विल आल्सो अपलोड यू कैन वॉच इट अगेन सही है एग्जीक्यूट है अच्छा तीसरी लाइन में सब बच्चों ने लिख लिया होगा आई थिंक है ना तो कंटिन्यू करते हैं अगला सवाल तो आपने देखा होगा बेटा कि आपकी जो सेकेंड ईयर की लिस्ट है वो फर्स्ट ईयर के मुकाबले में थोड़ी सी डिफिकल्ट है या लेंथी कह रहे हैं लेंथी है बेटा तुम आ रहे तो कुछ है योर माइक इज ऑन पूछो कोई सवाल है तो अच्छा बोले तो इम्पोर्टेंस ऑफ लेबल क्या बच्चों कल इंशाल्लाह दोनों भाई कल इंशाल्लाह चैप्टर जो है होपफुली कोशिश है कि खत्म हो जाए नहीं तो अगले हफ्ते एक दो सवाल जो है वो हम कर लेंगे तो इम्पोर्टेंस ऑफ लेबल क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ लेबल ऑन मिस टू कैरेक्टर सूटकेस मोर दैट इट बोर्ड हर नेम मिस टू कैरेक्टर के सूटकेस पे जो इम्पोर्टेंस है वो यह है कि इस पर उनका नाम लिखा था लेबल पर कहीं जाते हैं दूसरे शहर तो आप नाम लिखते हैं She tucked the label under the flap,
वो लेबल को पट्टे के नीचे छुपा देती है सो दैट इट वॉज नो लॉन्गर विजिबल टू द मैन हु केम टू सीयर, ताकि ये जो नाम है ये विजिबल नहीं रहे, नजर नहीं आ सके उस शख्स को जो उनसे मिलने आया है. Mr. Janka was confused. He was nervous. That's why he turned the label under the flap. Copy it. You have 5 minutes to copy, and yes, we have almost 5 minutes for our meeting. So inshallah, we can continue this topic tomorrow and then hopefully cover it thoroughly. अच्छा, किसी स्टूडेंट को कोई और कोई सवाल तो नहीं है? जैसे क्वेश्चन आता शुरू हो गया है उसके, तो कोई सवाल जैसे कि आपको कोई कॉन्सेप्ट कोई आइडिया समझ नहीं आया हो. हाँ बेटा पूछो. अच्छा बेटा, आपका माइक हमने अनम्यूट किया था, आपकी आवाज आ नहीं रही है. आप अपना माइक्रोफोन चेक करके कोशिश करें, सवाल करें जो करना है. हाँ बेटा, अगर कुछ माइक से अगर नहीं हो रहा है तो चैटिंग से चैट कर दें, कोई सवाल है तो टाइप कर दें, स्क्रीन पे टाइप कर दें कोई सवाल है तो. बस जल्दी से लिख दो, 2 मिनट पहले आप पूछा है सवाल है तो कर लो. फिर अगर आपको माइक नहीं निकल रहा तो आप सवाल टाइप कर दें, चैट में सवाल टाइप कर दें. ओके तो इंशाल्लाह भाई कल इसको कंटिन्यू करते हैं. यदि सवाल पूछें क्या पूछ रहे थे बेटे? बेटा सवाल है तो पूछे आप.
है।